नमस्कार, यूपीएससी 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूपीएससी 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएससी 08 के साथ। ब्यावरा के पास ग्राम बामलवे के युवक ने की आत्महत्या, मरने के पहले बनाए वीडियो। देखते रहिए यूवीएन 08 न्यूज। ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। ब्यावरा के पास ग्राम बामलवे निवासी युवक ने आत्महत्या के पहले अपने वीडियो बनाया और आत्महत्या के कारण बताया। मामला लव जिहाद का बताया जा रहा है, जिस पर हिंदुवादी संगठनों ने थाने का घेराव किया। ब्यावरा पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। इसके साथ न्याय होगा, इसके लिए हमने सुबह से ही कार्रवाई करना स्टार्ट कर दी है। आप लोग बेफिक्र रहिए, आपके साथ पूरा पूरा न्याय होगा। हमने 3 लोगों को थाने पे ले आए हैं, उनको गिरफ्तार भी कर लिया। मैडम, उचित कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं आप? नहीं, जो भी उचित कार्रवाई है वो उचित कार्रवाई होगी। इसके लिए हमें तुरंत ही, हमको सुबह मालूम पड़ा कि इस प्रकार की घटना घटित हुई है, तो तुरंत ही हमारे फोर्स ने 3 लोगों को ले आए हैं और चौथा व्यक्ति भी हम जल्दी ले आएंगे, उसके लिए टीम रवाना कर दी है। उसमें लव जात का भी होना चाहिए। लव जात के कारण हिंदू समाज के बहुत सारे परिवार बर्बाद हो रहा है। ये लोग मिशन के तहत हिंदू समाज के परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। एक परिवार अभी पहले बर्बाद हो गया राजपूत समाज का, एक ये दूसरा उदाहरण है। तो ऐसे हमें ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को तत्पर रहना पड़ेगा और पहले तुरंत कार्रवाई करना पड़ेगा। इसमें जैसे ही कोई आवेदन है एक दो बार पहले भी ज्ञापन दिए, ताकि ऐसे मुकेश सेन बार-बार नहीं बने, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हमने तुरंत कार्रवाई भी की है। इसका मैसेज भी जाएगा मीडिया में, भी हम प्रचार प्रसार करेंगे कि इस प्रकार की कोई घटना करता है उसको तुरंत पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई करेगी और तुरंत कार्रवाई होगी। चार बार गाने आ गए थे मैडम, हां भाई कोई सुनवाई नहीं करी, पहले आ चुका है और एक दो बार मेरा नाम मुकेश सेन है, बामलवे का रहने वाला हूँ मैं। मेरी शादी आए से 4 साल पहले ब्यावरा अहिंसा द्वार पे शहीद का अपने अहिंसा द्वार पे पूजा सेन नाम की लड़की से हुई थी, जो अपने लव मैरिज करी थी भक्कर। तो 4 साल अच्छे से रहे हम एक साथ, पहले इंदौर रहे फिर ब्यावरा रहे। उसके बाद में ब्यावरा आए तो एक लड़का है नदीम अंसारी नाम है उसका, रानी टेलर का लड़का है, नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में दुकान है उसकी। तो उसने क्या पता क्या बहलाया फुसलाया, उसको दवाई मवाई खिलाई या उसने अपने बस में कर लिया उसको। तो ना तो मेरे साथ रहना चाह रही है और ना आना चाह रही है। इन दोनों ने मेरे को इतना प्रताड़ित कर लिया है, मैं थाने जाया है 5-3-4-4 बार थाने जाया। पुलिस वाले बोलते हैं तुम्हारे घर का मैटर है, उसकी मम्मी और उसकी मम्मी है और एक दांगी है जो उसकी मम्मी ने रख रखा है, ये मेरे को मारने की धमकी देते हैं बार बार। रात को इसने नदीम ने मेरे को बुलाया फ़ोन लगाकर, बुलाने के बाद मेरे साथ झूमा झटकी करी, मारा ठोकी करी रात में। वो पूजा भी साथ में थी उसके, दोनों बोलने के तेरे को मार देंगे अगर ये ब्यावरा में दिख गया आज के बाद। तो इन लोगों से परेशान होकर मैं जहर खा रहा हूँ और मरने जा रहा हूँ आज।